जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका श्री रामचरितमानस कथा में। हमने पिछले भाग में देखा कि भगवान राम ने अपना अवतार ले लिया है और माता जी के साथ उन्होंने बाल लीलाएं की, और उसके बाद वशिष्ठ मुनि आए कुछ दिन के बाद और चारों भाइयों का नामकरण कर दिया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। इसके बाद आज हम उसके आगे वर्णन करेंगे कुछ और बाल चरित्र, उन्होंने क्या क्या किया भगवान श्री राम ने, उसका बड़ा ही मृदुल और बड़ा सुंदर वर्णन किया है तुलसीदास जी ने, उसी को हम आगे आज बढ़ाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रसंग। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुत चारी, मुनि धन जन सर्व शिव प्राणा, बाल के लिरस ते सुखमाना। गुरु जी ने, गुरु वशिष्ठ ने अपने हृदय में विचार कर ये चारों नाम रखे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और बोले हे राजन, राजा दशरथ को बोले हे राजन, ये तुम्हारे चारों पुत्र वेद तत्व के साक्षात परात्पर भगवान हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं, भगवान शिव के भी प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेम बस बाल लीला के रस में सुख माना है, इसमें बाल लीलाएं कर रहे हैं, बालक रूप में आए हुए हैं आपके घर में। बारही ते निज हित पति जाने, लक्ष्मण राम चरण रति माने, भरत शत्रुघ्न दूनहु भाई, प्रभु सेवक जसी प्रीति बढ़ाई। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी और स्वामी जान करके लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। राम लक्ष्मण की जोड़ी बहुत प्रसिद्ध है। लक्ष्मण जी राम के भ्रिकुट के इशारे से ही काम कर देते थे, उनका इशारा पाते ही लक्ष्मण जी तुरंत उस काम को करने के लिए तत्पर रहते थे। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जैसी प्रीति की प्रशंसा की गई है, और वैसी ही प्रीति दोनों के बीच में थी। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखई छवि जननी तीन तोरी, चारि उसील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। श्यामल और गौर, सांवला और गोरा शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियां थी, राम लक्ष्मण की एक जोड़ी और एक जोड़ी भरत और शत्रुघ्न की, और इनकी सुंदरता को देख करके माताएं जो हैं तृण तोड़ती हैं, जैसे कि नजर लग न लग जाए ऐसा टोटका करते हैं गांव में, तो उसी तरह से वो तृण तोड़ करके कि कहीं इनकी इन दोनों जोड़ियों को नजर न लग जाए ऐसा करती थी। यो तो चारों ही पुत्र जो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सभी सील रूप और गुण के धाम थे, लेकिन जो सुख श्री रामचंद्र जी के से मिलता था वो तो समुद्र से भी अधिक गहरा था। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा, कबहू छंग कबहू बर पलना, मातु दुलारई कही प्रिय ललना। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है, और उनकी मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करता था, ऐसा भगवान राम के बारे में कहा है तुलसीदास जी ने, कि उनके हृदय में अत्यंत ही करुणा थी। कभी गोद में लेके, कभी अच्छे से पालने में लिटा करके माता उनको प्यारे ललना कह के दुलार करती थी। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सोयज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। जो सर्वव्यापक निरंजन निरंजन माया रहित निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के वशीभूत होकर के कौशल्या जी के गोदी में खेल रहे हैं। ये एक अपार जो है भगवान की कृपा। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलनी बैठे जनु मोती। उनके नील कमल और गंभीर
जल से भरे हुए मेघ के समान श्यामल शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। भगवान राम की सुंदरता इतनी अच्छी है कि उसमें करोड़ों करोड़ों कामदेव भी समा जाएं। लाल लाल चरण कमलों की नखों की जो शुभ्र ज्योति है, सुंदर सी ज्योति है, ऐसी मालूम होती है जैसे कि लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गया है। रेत कुली से ध्वज अंकुश सोहे, नुपुर धुनी सुनी मुनि मन मोहे, कटि किंकनी उदर त्रय रेखा, नाभि गंभीर जान जही देखा। उनके चरण तलों में, भगवान के जो चरण तल है, तलवा है, उसमें वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित है, उस चिन्ह बने हुए हैं। नूपुर पैजनी जो पहनाया हुआ है भगवान को, उसकी आवाज सुन करके मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है, इतना सुंदर आवाज आ रही है। कमर में करधनी और पेट पर तीन रेखाएं त्रिवली बनी हुई हैं। नाभि को गंभीरता तो वही जानते हैं, नाभि की गंभीरता जो जिसने की उसे देखा है, जो देखा नहीं है वो नहीं, उसका वर्णन नहीं कर सकता। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, हिय हरि नख अति शोभारूरी, उर मनिहार पदिक की शोभा, विप्रचरण देखत मन लोभा। बहुत से आभूषणों से सुशोभित उनकी, भगवान राम की विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों की हार शोभा पा रही है और ब्राह्मण भिगु के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है। भगवान को जो भृगु मुनि थे, उन्होंने अपने चरण मारे थे, आपको कहानी पता ही होगी। जब देवताओं का ये किया गया था, परीक्षा ली गई थी कौन सबसे बड़ा है, तो भृगु मुनि जाके परीक्षा लिए थे और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जगह जा करके उन्होंने देखा था। भगवान के पास जाकर उन्होंने के छाती में लात मारा था तो, और भगवान ने बोला कि मुनि आपके पैरों में चोट तो नहीं लगी, लेकिन उसका उस लात का निशान अभी भी भगवान राम के छाती में पड़ा हुआ है, जिससे कि बड़ा सुंदर है, मन को लुभावना लगता है। कंबुकंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई, दुई दुई दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक को बर नए पारे। उनका कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला तीन रेखाओं से सुशोभित है और ठोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। दो दो सुंदर दतुलिया हैं आगे निकली हुई हैं, लाल लाल होंठ हैं, नासिका नाक और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कोई नहीं कर सकता। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला, चिकन कच कुंचित गभुआरे, बहु प्रकार रचि मातु समारे। उनके सुंदर कान और बड़े ही सुंदर सुंदर गाल हैं, मधुर तोतले शब्द बड़े ही प्यारे लगते हैं जब वो तुतला के बोलते हैं। जन्म के समय से ही रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से सजा के संवारा हुआ है बालों को। पीत जगुलिया तनु पहिराई, जान पान विचरण मोहि भाई, रूप सही नहीं कही श्रुति सेसा, सो जानई सपने हो जही देखा। उनके शरीर पर पीली झमुली पहनाई हुई है, बड़ा सा कपड़ा होता है बच्चों को पहनाते हैं, उसे पहनाई है पीले रंग का। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तुलसीदास जी कह रहे हैं। उनका घुटनों के बल जब चलते हैं तो बड़ा ही मनोहर लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते, उसे तो बस वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी उनको देखा। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से भी अतीत हैं, वही भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के बस होकर बाल लीला प्रेम से कर रहे हैं। ये भगवान का भक्त के प्रति प्रेम ही है।
यही विधि राम जगत पितु माता कौशल पुर बासिन सुखदाता जिन रघुनाथ चरण रति मानी तिन की यह गति प्रगट भवानी। इस प्रकार पूरे संसार के माता पिता श्री राम जी के अवधपुर के निवासियों को सुख दे रहे हैं। संसार के जो माँ बाप हैं भगवान परमेश्वर, वो वही श्री राम जी अवधपुर के अयोध्या के निवासियों को सुख दे रहे हैं जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है। हे भवानी, शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि वो भगवान उनके प्रेम के बस बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। रघुपति विमुख जतन कर कोरी कवन सकई भव बंधन छोरी जीव चराचर बस कै राखे सो माया प्रभु सो भय भाखे। भगवान श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय कर ले परंतु उसका उसका इस संसार से बंधन नहीं छूट सकता, उसे बार बार जन्म लेना ही पड़ेगा। लेकिन जिसने सब चराचर जीवों को अपने बस में कर रखा है वह माया भी प्रभु से भय खाती है। भ्रिकुटी बिलास न चावई ताही अस प्रभु छड़ी भजिय कहूं काही मन क्रम वचन छाणी चतुराई भजत कृपा करी है रघुराई। उस माया को भी भगवान ने भावों के इशारे पे नचाते रहते हैं, अपने भावों के इशारे से नचा देते हैं जो कि माया पूरे संसार को नचा रही है। ऐसे भगवान राम को छोड़कर कहो किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से जो चालाकी छोड़कर भगवान का भजन करते हैं तुरंत उनके कृपा के पात्र बन जाते हैं। यही विधि शिशु विनोद प्रभु कीना सकल नगर बासिन सुख दीना लय उछंग कबहु कहल रावे कबहु पालने गाल झुलावे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी बाल क्रीड़ा बाल लीला और खेल आमोद प्रमोद कर रहे हैं और समस्त नगर निवासियों को आनंद से अभिभूत कर रहे हैं। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती हैं और कभी पालने में लिटा करके झुलाती हैं। इस तरह भगवान के बाल लीलाओं का सब आनंद उठा रहे हैं। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन उनका कैसे बीत रहा है उनको पता ही नहीं चल रहा है। दिन रात बिल्कुल उनको पता ही नहीं चल रहा है, कुछ न दिन बीत रहा है कब कब रात बीत रहा है, इतने आनंद में विभोर है माता जी। पुत्र के स्नेह बस माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती हैं और इस तरह से उनको रामचंद्र जी की लीलाओं का आनंद ले रहे हैं माता कौशल्या भी और सारे जो है अयोध्यावासी भी। और इस तरह से दिन और रात कब बीत रहे हैं पता नहीं चल रहा है। कुछ उनकी और भी अच्छी अच्छी बाल लीलाओं का वर्णन हम अगले भाग में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय राधावर कृष्ण चंद्र की जय।